हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी जयश्री। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे एंड विंटर में अपने फेस का, अपने बॉडी का बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि विंटर में हमें अपने फेस का थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि विंटर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ जाती है। तो आज का वीडियो भी विंटर के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ अपने विंटर्स फेस ट्रीटमेंट लाइक DIY आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं टॉप 4 फेस पैक DIY से बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप लोग उसे चाहे तो, आपकी अगर ड्राई स्किन हो गई है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, पिंपल्स हैं, या फिर आपकी स्किन इवन नहीं है, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हो। इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा इस वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। सबसे पहले चल के हम देख लेते हैं कि इस फेस पैक को कैसे बनाना है और विंटर में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है फेस की, उससे हमें सॉल्यूशन कैसे मिलना है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी नहीं करना तो वीडियो को देखने के बाद जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इसी तरह की लाती रहती हूँ और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग ये सब देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला फेस पैक मैंने कौन सा बनाया है। बहुत ही लिमिटेड चीज़ों से बनाया है जो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट होंगे, आप लोगों के किचन में इजीली आप लोगों को अवेलेबल होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट फेस पैक क्या है। तो सबसे पहले फेस पैक के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क का यूज किया है। आप सभी को पता है कि मिल्क में क्लींजिंग एजेंट होते हैं, जो कि आपके फेस को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा आलसी भी हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, फेस वॉश तक नहीं करना, तो DIY फेस वॉश सबसे बेस्ट है। विंटर में आपको मिल्क का यूज करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे मैंने बस इसमें ये थोड़ा सा हनी मिक्स किया है। इससे क्या है कि आपकी स्किन जो है बिल्कुल मॉइस्चराइज रहेगी, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में जो सॉफ्टनेस आएगी, आपकी पिगमेंटेशन अगर है थोड़ी बहुत तो वो भी दूर होगी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ मिलाना है, दूध एंड हनी। बस आपको कुछ नहीं करना, इसे अप्लाई करना है फेस पे और थोड़ी देर तक मसाज करते रहना, यूं जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के साथ, बिल्कुल इस तरह से आपको मसाज करना है। और 5 से 10 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से, वार्म वाटर से वॉश कर लें और अपने फेस को बिल्कुल अच्छे से टैप करके सुखा लें। आप अपने फेस पे अगर ये 1 वीक तक डेली करते हो ना, तो गारंटी देती हूँ कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है, क्योंकि दूध से मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है। तो फर्स्ट वाला जो फेस पैक है, आप चाहे तो डेली भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है करना तो आप वीक में कम से कम 2 बार जरूर ट्राई करें। तो मेरा सेकंड फेस पैक है ये कॉफ़ी वाला फेस पैक। आप सभी को पता है कि अभी भी मार्केट में ट्रेंड में चल रही है कॉफ़ी फेस मास्क, कॉफ़ी स्क्रब, कॉफ़ी के बॉडी स्क्रब। फेस ट्रीटमेंट के लिए जो कॉफ़ी की डिमांड है ना, वो टॉप पे चल रही है। तो आप लोग अगर कोई भी मार्केट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते, तो क्यों ना DIY ट्राई करें। आप कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये 10 रुपये वाला कॉफ़ी पैकेट लेके आना है जो मैं दिखा रही हूँ, और यहाँ पे इसे डालना है, और इसमें बस आपको हनी मिलाना है। क्योंकि हनी मिलाओगे आप तो ये बिल्कुल लिक्विडी नहीं होगा, तो आप यहाँ पे बस एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हो, या तो आप रोज़ वाटर ऐड करें, और उस तीनों चीज़ों को मिलाकर इसे भी अपने फेस पे इस तरह से बिल्कुल मसाज करते रहे, मसाज करते रहे। हर चीज़ का जो बेनिफिट है ना, वो मसाज 80% दे ही देता है। फेस मास्क को भी 10 मिनट तक एटलीस्ट मसाज करें बिल्कुल हल्के हाथों से, और उसके बाद इस तरह से वॉश कर लें, और अपने फेस को आप देखोगे कि इतना चमक जाएगा ना। क्योंकि कॉफ़ी में आप सभी को पता है कि ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्राइटनेस आपकी स्किन की जो एक्चुअल कलर है ना, उससे आपको वापस दिलाता है। कॉफ़ी में बहुत ही ज़्यादा एंटी एजेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, और सबसे ज़्यादा तो कैफीन जो होती है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये ज़रूर आप एक बार ट्राई करें कॉफ़ी DIY फेस मास्क। आपकी स्किन पे जो ग्लो आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, एकदम से इवन हो जाती है, ब्राइटनेस वापस आ जाते हैं आपकी स्किन की। और जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्राइनेस दूर हो जाती है। तो ये है मेरा थर्ड फेस मास्क, जो कि आई एम श्योर हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपकी दादी नानी
किसी ना किसी ने तो जरूर बताया होगा, बेसन। जी हाँ, हर किसी के पास अवेलेबल होता है और इसके बेनिफिट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि बेसन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बेसन लेना है। इसमें आपको अगेन दूध यूज करना है, आप चाहो तो दही भी यूज कर सकते हो, बट मुझे सूट नहीं करता इसलिए मैंने दही यूज नहीं किया। अगर आपको सूट करता है तो आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हनी डाला है। आप सोच रहे होंगे मैं हनी हर फेस वॉश में क्यों यूज कर रही हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगी कि विंटर में हनी आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो आप विंटर में स्पेशली हनी ज़रूर यूज करें। इसलिए मैंने सारे फेस मास्क में हनी यूज किया है। तो यहाँ पे आपको हनी ऐड करना है और तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। आपको टर्मरिक भी यूज करना है क्योंकि टर्मरिक में एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, आपके थोड़े बहुत दाने निकल गए हैं या फिर कोई एलर्जी है, स्किन प्रॉब्लम है आपको, तो आप हल्दी ज़रूर यूज करें। वो आपकी स्किन की जो डिजीज़ है उसे क्योर करने में बहुत हेल्पफुल होता है, उस पर ट्रीटमेंट अच्छे से करता है। तो पिंच ऑफ हल्दी का आप यूज कर सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को मिला के आपको अगेन फेस पे थोड़ी देर मसाज करके इसे ड्राई होने देना है और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। इसका इफेक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है, ट्रस्ट मी। आप पूरे विंटर में इसे कम से कम वीक में दो बार जरूर ट्राई करें और इससे आपको खुद इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। आपकी स्किन की ड्राइनेस की अगर इशू है वो तो 100% दूर हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स आए हुए हैं या फिर आपकी स्किन पे मैंने जैसा कि बताया कि स्किन की कोई प्रॉब्लम है, इचिंग वगैरह है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है उसका। तो ये सारे प्रॉब्लम का एक फेस पैक ये है जो कि आपको 100% इफेक्टिव होता है। तो हर तरह के फेस प्रॉब्लम के लिए ये मास्क इफेक्टिव है। आप लोग विंटर में ज़रूर इसे ट्राई करें और 100% आपको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ फेस मास्क मैंने किस चीज़ से बनाया है। और ये फेस मास्क जो है बहुत ही इजी है, मतलब अगर आप लोग इतने ज़्यादा ऐसे है कि कुछ भी नहीं करना तो आपके पास ये चीज़ें हैं, डालो और यूज करो वैसी वाली चीज़। तो ये वाला अगर फेस मास्क स्टेप जो भी कहो आप अगर नहीं फॉलो करना चाहते फिर तो सोचो कि आप अपने स्किन से प्यार ही नहीं करते, आप अपने फेस का कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं सच बता रही हूँ क्योंकि ये इतना ईजी है। जस्ट आपको एक एलोवेरा लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेडीमेड मार्केट वाले एलोवेरा का यूज़ किया। अगर आपके पास घर में एलोवेरा है तो दैट्स इट, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप नेचुरल यूज कर सकते हो। उसमें मैंने रोज वाटर मिलाया, दैट्स इट। इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो स्किन पे इफेक्ट देता है ट्रस्ट मी, वंडरफुल। आप लोग एक बार ज़रूर इसे यूज करके, अगर आपके पास घर पे नहीं है नेचुरल वाले एलोवेरा तो आप ये मार्केट वाला भी यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, आपको इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आपको बस करना है कि रोज वाटर एंड एलोवेरा जेल दोनों को मिक्स करना है और इस तरह से अपने फेस पे बिल्कुल अप्लाई करके छोड़ देना है। आप चाहो तो इसे वॉश कर सकते हो, बट अगर नहीं वॉश करते हो तो और भी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं है जिसे आप वॉश करना ज़रूरी समझो। आप इसे लगा के, इवन मैं तो कहती हूँ कि इसे आप रात में ट्राई करो, इसे लगाने के बाद बस सो जाओ और सुबह होके हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लो। अगर आप इस विंटर में डेली करते हो इस प्रोसेस को तो आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम है आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम तो 100% चली जाएगी, मैं आपको दावा दे सकती हूँ। क्योंकि ये इतना सिंपल स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या बताऊँ मैं, फिर इससे ज़्यादा कुछ भी ईजी नहीं है कि आप अपने फेस के लिए कर सकते हो। बस इतना सिंपल चीज़ है जो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम हर किसी को होती है, कुछ ना कुछ होती है। हाँ, सबको सेम नहीं होती, आई नो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है उन सब के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला स्टेप कर लो यार, कुछ नहीं, तीनों अगर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, तीनों बहुत ज़्यादा आपको हैट्रिक लग रहा है, तो ये वाला कर लो। फोर्थ वाला सबसे ईजी है, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सा सबसे बेस्ट लगा और आप लोग इन चारों में से कौन सा फेस पैक ऑलरेडी यूज करते हो और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा वर्कफुल और आपके फेस पे इफेक्टिव लगता है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अब तक तो सब्सक्राइब कर लिया होगा वीडियो देखते देखते, नहीं किया तो अब कर लो और लाइक भी कर देना, कमेंट तो करोगे ही आप लोग। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि ऑफकोर्स हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।